नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गिफ्ट डीड कैसे ड्राफ्ट करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। किसी भी डीड को ड्राफ्ट करने से पहले कुछ बातों का जानना जरूरी होता है। सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिफाइंस गिफ्ट। दिस सेक्शन सेज गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाई वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड द डोनी एंड एक्सेप्टेड बाई और ऑन द बिहाफ ऑफ द डोनी। द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड गिफ्ट आर, फर्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी मेड बाई द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हु हैज कैपेसिटी टू एंटर इन टू ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो गिफ्ट व्यक्ति करता है, जो डोनर है, वो प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए और वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। जो व्यक्ति मेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और पर्सन का साउंड माइंड होना जरूरी है। पॉइंट नंबर टू, इट मस्ट बी मेड वॉलेंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन। जो गिफ्ट है वो वॉलेंटरली होना चाहिए और बगैर किसी कंसिडरेशन के होना चाहिए। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंसिडरेशन से होगा तो वो सेल होगी। पॉइंट नंबर थ्री, देर मस्ट बी एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी विच मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होगी वो एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर होगी और वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। पॉइंट नंबर फोर, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर वाइल कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बिफोर डोनी डाइज। जो गिफ्ट की एक्सेप्टेंस है डोनर की लाइफ टाइम में होनी चाहिए और डोनर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिफोर द डोनी डाइज। फिफ्थ पॉइंट, गिफ्ट मस्ट बी मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर एंड एन ऑथराइज्ड एजेंट। जो गिफ्ट है वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होना चाहिए और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो डोनर के द्वारा बनाया जाना चाहिए और उसके ऑथराइज एजेंट के द्वारा। सिक्स्थ पॉइंट, इट्स एग्जीक्यूशन बाय द डोनर मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट टू विटनेसेस। जो गिफ्ट डीड है उस पर विटनेस भी होने चाहिए, कम से कम दो विटनेस होने चाहिए। पॉइंट नंबर सेवन, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इफ इट रिलेट्स टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाटसोएवर वैल्यूएशन इट मे बी। जो गिफ्ट डीड है, अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी की कितनी भी वैल्यू है। पॉइंट नंबर एट, इट शुड हैव रिक्विजिट स्टैंप ड्यूटी। देखिए, जब हम सेल डीड करते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से, सर्कल रेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं। गिफ्ट डीड में भी स्टैंप ड्यूटी लगेगी, आपको पे करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर नाइन, गिफ्ट मेड अंडर मोहम्मडन लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। कॉन्सिक्वेंटली ए मुस्लिम कैन मेक ए गिफ्ट ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी ओरली बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन इवन टू ए हिंदू। अंडर मोहम्मडन लॉ गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। ए मुस्लिम कैन मेक ए गिफ्ट ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी ओरली बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन इवन टू ए हिंदू। पॉइंट नंबर टेन, ए गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मे बी मेड बाई ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाई डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सच डिलीवरी मे बी मेड इन द सेम मैनर एज द गुड्स सोल्ड मे बी डिलीवर्ड। अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं, उसको हम रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी गिफ्ट कर सकते हैं, या मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी दे के हम दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से हम मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करते हैं। दोस्तों, अब हम गिफ्ट डीड की ड्राफ्टिंग करेंगे। डीड ऑफ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पर्टिकुलर पर्पस। एक व्यक्ति के पास एक जमीन है, वो अपनी जमीन गांव में स्कूल खोलने के लिए किसी व्यक्ति को दान में देना चाहता है, कि वो व्यक्ति चाहता है कि उसकी जमीन पर स्कूल खोला जाए। दोस्तों, चलो आओ सीखें गिफ्ट डीड को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। गिफ्ट डीड को ड्राफ्ट करते हुए
सबसे पहले हम यह लिखेंगे दिस डीड ऑफ गिफ्ट इज एग्जीक्यूटेड एट, जो भी स्थान है वो लिखेंगे। जैसे मैं गुरुग्राम लिख रहा हूं, गुरुग्राम, जो भी तारीख है वो लिखेंगे 10th डे ऑफ जनवरी 2020। फिर उसके बाद यह लिखेंगे कि बिटवीन, फिर पार्टीज के नाम लिखेंगे श्री, जो भी व्यक्ति है ए बी, सन ऑफ श्री, उसके पिताजी का नाम लिखेंगे ए, हिंदू, एडल्ट, रेजिडेंट ऑफ, जो भी स्थान है वो लिखेंगे गुरुग्राम, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड द डोनर, जो व्यक्ति गिफ्ट करता है उसको हम डोनर बोलते हैं। विच एक्सप्रेशन शेल अनलेस रिपग्नेंट टू द कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग हेयर ऑफ मीन एंड इंक्लूड हिज हेयर्स सक्सेसर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर हम दूसरी पार्टी का नाम लिखेंगे जिसको गिफ्ट किया जाना है, एंड श्री सीडी सन ऑफ श्री ए, हिंदू, एडल्ट, रेजिडेंट ऑफ गुरुग्राम, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड दी डोनी, विच एक्सप्रेशन शेल अनलेस रिपग्नेंट टू दी कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग हेयर ऑफ मीन एंड इंक्लूड हिज हेयर्स सक्सेसर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हम यह लिखेंगे वेयर एज द डोनी इंटेंड्स टू स्टार्ट ए स्कूल इन हिज विलेज, जहां भी वो स्कूल स्टार्ट करना चाहता है, जिस जो भी वो काम करना चाहता है वो लिखेंगे। जैसे मैं इस डीड के अंदर ये मान के चल रहा हूं कि जो डोनी है वो स्कूल को शुरू करना चाहता है गांव में, फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वेयरएज द डोनर इज desirous of donating the land fully mentioned and described in the schedule here to be used as a site for the said school। अब लिखेंगे now this deed witnessed that in pursuance of the said boy's wish and desire and as a pattern of the proposed
school to be started by the Dhoni. The donor doeth hereby and hereunder freely and voluntarily grant, convey, transfer, give, assign, and assure unto and to the use of the Dhoni and his successor all that, etc., to be used slowly and exclusively for the purpose of a site for construction and accommodation of the proposed girls' school to have and to hold the same so long as the same shall be used and occupied as a site and or building of the school and that the Dhoni accepts the gift of the said property here under made solely and exclusively for the purpose herein before indicated, subject to the condition hereunder provided. अब अगले पैरे में हम यह लिखेंगे, this deed further witness that it is expressly agreed and understood by and between the parties that this gift of land will stand ipso facto. इसको हम इटैलिक में करेंगे. Revoked in the event the land here under given is not used for the purpose of the intended school for which the same is given within a period of 1 year from the date of these presents or in the alternative the said school is abolished or shifted elsewhere or amalgamated
with some other institution when and in all or any such event or events the land with all buildings and structures if any erected thereon shall revert to and revest in the donor or his heirs executors administrators and representatives and shall form part of his former estate as if this deed of gift was never executed nor intended. देखिए इस पैरा में हमने यह लिखा कि जो आपकी जो जमीन है जिस पर्पस के लिए जमीन दी गई है अगर उस पर्पस के लिए जमीन यूज नहीं होगी तो गिफ्ट ऑफ द लैंड विल स्टैंड इप्सो फैक्टो रिवोक्ड. उसके बाद हम यह लिखेंगे एंड इट इज फर्दर एग्रीड बाय एंड between the parties that in case the land is acquired by the government, the donee or his successors, including any person or persons managing the school shall invest the compensation money to be awarded in purchase of another land or building to be used solely and exclusively for the school unless otherwise directed by any court of competent jurisdiction the estimated value of the property is. जो भी property की estimated value है आप वो लिखेंगे. फिर उसके बाद हम यह लिखेंगे in witness whereof the donor has executed this deed of gift and delivered the same to the donee who has also executed the same in token of acceptance thereof the day, month and year first above written.
फिर उसके बाद डोनर के साइन होंगे यहां पर, फिर डोनी के साइन होंगे, विटनेसेस, दो विटनेसेस के भी साइन होंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो मेरा एक निवेदन है आपसे, आप इस वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रगणों में फॉरवर्ड करें ताकि उन व्यक्तियों को भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का फायदा मिल सके। धन्यवाद।